गूगल डिलीट कर देगा आपका जीमेल अकाउंट और जितना भी आपका गूगल पर डेटा है वो सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका गूगल अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है तो गूगल आपका जीमेल अकाउंट और आपका गूगल पर जितना भी डेटा है वो सब डिलीट कर देगा। फिर चाहे वो आपका यूट्यूब का डेटा हो या गूगल ड्राइव का डेटा और या फिर आपके गूगल फोटोज़ का डेटा, गूगल सब कुछ डिलीट कर देगा। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने गूगल का डेटा डिलीट होने से बचा सकते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि गूगल कौन सा अकाउंट डिलीट करेगा और आपका गूगल से कौन कौन सा डेटा डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। जुलाई 2023 में आपको गूगल की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ होगा जिसका सब्जेक्ट था अपडेटिंग आवर गूगल अकाउंट इनएक्टिविटी पॉलिसी। इस ईमेल में गूगल ने बताया है कि जो भी गूगल अकाउंट 2 साल के पीरियड से इनएक्टिव है वो अकाउंट्स और उन अकाउंट्स का जो भी डेटा है वो 1 दिसंबर 2023 से डिलीट हो सकते हैं। इनएक्टिव गूगल अकाउंट पॉलिसी। दोस्तों इसी ईमेल में आपको नीचे इनएक्टिव गूगल अकाउंट पॉलिसी भी मिल जाएगी जिसमें आपको बताया गया है कि एक इनएक्टिव गूगल अकाउंट वो अकाउंट है जो 2 साल के पीरियड में यूज़ नहीं किया गया है। ये पॉलिसी सिर्फ आपके पर्सनल गूगल अकाउंट के लिए है। अगर आपका गूगल अकाउंट किसी ऑफिस, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है तो ये पॉलिसी ऐसे गूगल अकाउंट्स पर अप्लाई नहीं होती। अगर आपका डेटा गूगल के किसी भी प्रोडक्ट पर है जैसे कि जीमेल, गूगल क्रोम, गूगल मैप्स, यूट्यूब, गूगल फोटोज़, पिक्सल, गूगल असिस्टेंट, गूगल एंड्रॉयड, गूगल पे या गूगल मीट, तो उस डेटा को भी गूगल डिलीट कर सकता है। अकाउंट डिलीट करने से पहले गूगल आपको आपके गूगल अकाउंट पर ईमेल सेंड करके इन्फॉर्म भी करेगा, और अगर आपका कोई रिकवरी ईमेल है तो गूगल आपको आपके रिकवरी ईमेल पर भी ईमेल सेंड करके इन्फॉर्म करेगा। 1 दिसंबर 2023 से गूगल अकाउंट डिलीट होना शुरू हो जाएगा, तो अगर आपके गूगल अकाउंट इनएक्टिव है तो उनको एक्टिव कर लीजिए। गूगल आपका अकाउंट तभी डिलीट कर सकता है जब आप 2 साल तक इनएक्टिव हो। तो एक्टिव रहने के लिए आप जीमेल के जरिए ईमेल सेंड कर सकते हैं या ईमेल रीड कर सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव पर कुछ अपलोड कर सकते हैं, या आप अपने गूगल अकाउंट से यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं, या आप गूगल फोटोज़ से फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, या आप अपने गूगल अकाउंट से प्ले स्टोर पर लॉगिन करके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करके गूगल सर्च यूज़ कर सकते हैं, और या आप अपने गूगल अकाउंट से किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सर्विस में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपका गूगल अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और ट्राई कीजिएगा कि आपका गूगल अकाउंट 2 साल तक इनएक्टिव ना रहे। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव कर लीजिए, वरना गूगल आपका अकाउंट और डेटा कभी भी डिलीट कर सकता है। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अवार्ड सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए।